हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंटो डॉक्टर वंस अगेन, होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ DJI Mini 3 के जो लेने वाले हैं या जिन्होंने ले लिया है, उसको तो मालूम है कि उसमें लॉक है या नहीं, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी फैल रही है कि एज़ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि 120 मीटर का लॉक पहले भी था, अभी भी है। जो 15 मीटर की लॉक वाली बात हो रही है वो अभी नहीं है। तो जो जो फ्रेंड लेना चाहता है DJI Mini 3 Pro, क्योंकि ये जो कैटेगरी का फ़ोन है, कैटेगरी का ड्रोन है, एक तो 249 ग्राम्स का है, तो नैनो कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कोई इसमें बंदिश वगैरह वाला जो लोचे है ना, रजिस्ट्रेशन वाले, वो सब इसमें नहीं है। और दूसरी बात, खूबी इसमें ये है कि इसमें सब कुछ उन्होंने दे दिया, अच्छी रेंज है, अच्छी बैटरी है, अच्छे आपको शॉट्स देता है, और एक तरफ से कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट ड्रोन है फॉर द स्टार्टर। और स्टार्टर भी क्या, इवन प्रोफेशनल यूट्यूबर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, कहीं भी ले जाओ, अच्छा आपको फ्लाइट टाइम देता है। और जहाँ तक ये नेगेटिव एस्पेक्ट था कि 15 मीटर तक, क्योंकि मिनी 2 में था लॉक, मिनी 3 की बात हो रही है तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों की क्वेरी इस पर आ रही थी कि मिनी 3 पे भी 15 मीटर का लॉक है या नहीं। एज ऑफ नाउ अभी इसमें कोई लॉक नहीं है, 120 मीटर का लॉक है, तो उस लॉक को मैं बुरा नहीं मानता, उस वो मेरे हिसाब से सही चीज़ की है उन्होंने। 120 मीटर से ऊपर ऐसे ड्रोन को लेके जाना जो काफ़ी लाइट वेट है, वो आपका ड्रोन भी जा सकता है, और रॉन्ग ही है मेरे हिसाब से। अगर आप अपना ड्रोन इतना ये छोटे वाला, मतलब मिनी कैटेगरी का नैनो ड्रोन, इससे ऊपर लेके जाओगे तो वो खतरा है आपके लिए भी और प्रॉब्लम औरों के लिए भी हो सकती है। तो उस हिसाब से, उस प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से मिनी 3 का 120 मीटर बहुत अच्छी लिमिट है। 120 मीटर में बहुत अच्छे सिनेमेटिक शॉट आते हैं। अगर कोई मैरिज वाला बंदा है, मतलब वेडिंग प्लानर, वेडिंग वीडियोग्राफर है, तो उसको भी इतना अच्छा 120 मीटर में, इट्स अ गुड हाइट, मतलब उस पर भी आपको पूरा वेन्यू आप ऊपर अगर दिखाना चाहते हो लॉन्ग शॉट में ऊपर से, तो वो दिख जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत भी क्या है। तो जो भी लिमिट लगाई गई है वो वैलिड है, और इस लिमिट के साथ भी लेना मैं कहूँगा बेस्ट है। बाकी आपके अगर ख्यालात कुछ और ही हैं, मतलब कुछ एडवेंचर ही करना है, तो फिर नैनो कैटेगरी में मत रहो, देन मूव टू प्रो कैटेगरी, अपने हायर कैटेगरी पे आ जाइए। तो उसमें फिर एक आपको भी लगेगा ज़्यादा पैसा लगा हुआ, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ाना, एक अंदर रहती है, और उसमें आप वो कैपेबल भी हैं ड्रोन्स इसके ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि अगर आप एक, और इसमें हैक्स भी कई मैंने देखा है, शुरू हो गए आने कि 100 मीटर 20 मीटर का भी आप लॉक बंदे तोड़ दें, वो सॉफ्टवेयर इशू है। सॉफ्टवेयर का कोई चीज़ बनती है, लॉक बनता है, उसकी चाबी भी लोग खोज खोज के निकाले डालते हैं, ठीक है। हो सकता है वो 120 वाला भी, 15 वाला भी लोगों ने खोल लिया था, 120 वाला भी खोल लें, बट जो एथिकली एज़ पर ड्रोन जो मेरी नॉलेज है और जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप मिनी ये नैनो कैटेगरी का ड्रोन मिनी 3 को 120 मीटर के ऊपर लॉक खोल कर लेके जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, उसमें आपका ड्रोन भी जा सकता है, और कोई और गड़बड़ हो गया ऊपर जहाज में, कोई मेजर इशू ना हो तो उसको आप प्रिवेंट करें। बाकी एज ऑफ नाउ यू कैन बाय इट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक मेजर क्वेश्चन आ रहा था कि हम बाहर से देखो, मिनी कैटेगरी का जो भी आप ड्रोन लाते हो, काफ़ी जो छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म्स में नैनो ड्रोन स्पेशली, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि वो आप, एक तो मैं कहता हूँ कि आप उसको डिसमेंटल करके लाएँ, डब्बा डुब्बा नहीं लेके आना है, ये चीज़ें जब ले करके आओगे तो आपको इशू नहीं आएगा, चाहे आप दुबई से लाओ, चाहे आप कहीं से भी लाओ, या अपने रिलेटिव को बोलो। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हमारा रिलेटिव लेके आ सकता है। नैनो कैटेगरी के ड्रोन में मैं आपको बोलूँगा कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं आती है। ओनली थिंग इज़ कि आपको प्रॉपर तरह से वो डब्बा डुब्बा उसका पैकिंग छोड़ के आओ, डिसमेंटल करके लाओ, प्रोपेलर्स कहीं, बैटरी कहीं, रिमोट कहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रिकमेंडेशन थी, ये दो मेजर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे ड्रोन रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया। तो आप ला सकते हैं, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड डिसमेंटल करके लाएँ, अपनी पैकिंग मत लाएँ, और ये इशू इसमें नहीं है फ़िलहाल, अभी तो नहीं है। बाकी जो जेल ब्रेक, मतलब जो होता है, मतलब सॉफ्टवेयर तोड़ने के लिए चाबियां हर कोई निकाल रहा है, निकल भी रही हैं, निकल भी चुकी होंगी, तो वो ऐसी में हाईलाइट चीज़ें मैं अपने चैनल पे करता नहीं कि आप ये वाला जुगाड़ लगा के खोल लो, तो वो दैट इज़ नॉट माय एम। बाकी जो मैंने आपको बताना है कि 120 मीटर इसके लिए वैलिड है, वो लॉग्ड इसमें मिलेगा आपको, बट वो आपके लिए बहुत इनफ है फॉर गुड ड्रोन शॉट्स, ठीक है जी। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस कमेंट, इसके नीचे जितने भी कमेंट्स आएंगे उस पर मैं Q&A करने वाला हूँ विद इन 4 to 5 days, ठीक है। तो आप जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है ड्रोन से रिलेटेड, इसके नीचे छाप दो। थैंक यू।